हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम आपको बताएंगे कि जो क्रॉस प्रोग्राम है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। हमने चार सार पे यहाँ पे लगा दी है और ये हमारा पायलट है। सबसे पहले हमको जिस नंबर पे प्रोग्राम बनाना है वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी ये सेलेक्ट कर रखा है, ये देखिए पेज जब लाइट नहीं जलेगी तो 1 से लेकर 20 तक काम करेंगे, जब लाइट जलेगी तो 21 से लेकर 40 तक काम करेंगे। ये देखिए डबल डबल नंबर लगे हुए हैं। तो अभी हमने इसको 21 पे सेलेक्ट किया है। तो ये देखिए 21 पे हमने ये प्रोग्राम, इस पे कोई नहीं है। ये देखिए अभी 21 पे कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले एडिट को हमने प्रेस करना है। एडिट को प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया लेंथ। उसके बाद में एडिट सीन में जाना है, फिर ओके दबाना है। उसके बाद में ये देखिए सेलेक्ट यूनिट आ गया। उसके बाद में पिक्सल पे हमें शार्पियाँ सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हमने 4 लगा रखी है, ये देखिए पहला बटन दबाए रखना है और दूसरे हमने 4 शार्पियों को सेलेक्ट कर लिया है। और हमारी जो पिक्चर है वो लाइटें देखिए जलने लगी है एडिट की। और उसके बाद में हमको ये देखिए डीमर और सेटर को हमने ऊपर कर देना है, जिससे हमारी चारों लाइटें ये देखिए एक बार वर्क करने लगी है। ये देखिए उसके बाद में सर्कल, आगे वाले पेज पे जाना है सर्कल पे, और इसको सारे को स्लाइडों को ऊपर नीचे करके इसको 0-0 कर देना है। और ये इसको एंगल देना है सार्पी को। जैसे ये देखिए अभी सार्पी को एंगल दे रहे हैं। तो सार्पी देखिए कैसे ये यहाँ पे वर्क कर रही है, देखिए एंगल दे रहे हैं। और इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे 1 और 3 को हमने सेलेक्ट करना है। ये देखिए जैसे कि हमने कर लिया, अभी 1 और 3 ही चलेंगे। ये देखिए पहली वाली और तीसरे नंबर वाली ही शार्पी है जो ये देखिए कर रही है वर्क। और इसको हमने दूसरे यहाँ से थोड़ा एंगल दे देना है, जैसे कि अभी ये क्रॉस के बटन से दिया है। उसके बाद में 3, 2 और 4 को ये देखिए सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में इसको एंगल देना है हमें। ये देखिए एंगल इस बटनों से दिया जाएगा। ये देखिए 2 और 4 भी अभी एंगल इनको मिल गया है। और उसके बाद में हमको करना है स्टोर दबाए रखना है और 1 प्रेस करना है। ये देखिए स्टोर और 21 नंबर को प्रेस कर देना है। तो इसमें ये पहले वाला फंक्शन है जो ये वो स्टोर हो गया 2 और 4। अब आगे हमको देखिए 2 और 4 अभी ने सर्कल देंगे। अब देखिए दूसरी साइड में इनको सर्कल देंगे। ये देखिए और इस बटन से सर्कल जो है वो दिया जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे हम करेंगे उसको सर्कल मिलता जाएगा जहाँ जहाँ पे आपको करना है। उसके बाद में 1 और 3 सेलेक्ट करना है। ये देख कर लिया और 1 और 3 को ये देखिए अभी 1 और 3 जो है उसको पोजीशन देना है, जो भी आप साइड में जैसे रखना चाहते हैं वहाँ से आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद उसके बाद में स्टोर 2 पे इसको कर देना है। ये देखिए यानी कि स्टोर 22 पे हो गया। अभी इसको फाइनली हमने इसको स्टोर करना है। अगर आपको चेक करना हो तो ये देखिए सीन्स में आप इसको चेक कर सकते हैं क्या क्या बना है। ये देखिए प्रोग्राम, ये देखिए अभी सीन्स 1 और ये हमारा सीन 2। ये देखिए सीन 1 और सीन 2 ऐसे हमको सीन बटन दबा के 1 और 2 पर जाके कर देना है प्रोग्राम। उसके बाद में प्रोग्राम ये हमारा फाइनली जो है इसमें बन गया है। अभी इसको हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हमको एडिट और इंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। और अभी जो देखिए प्रोग्राम हमारा बन के तैयार है और ये इस पर चल रहा है। ये देखिए जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बंद हो गया है। और अभी इसको इंटर करेंगे तो ये देखिए ये चल पड़ेगा। और इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अभी आपको इसको स्पीड वगैरह देना हो तो आप इसमें दे सकते हैं प्रोग्राम बनाने के बाद में। ये देखिए एडिट पर इस पर आपको मोड वाला बटन प्रेस करना है। ये देखिए अभी प्रोग्राम चल रहा है। इसको स्पीड बढ़ाने के लिए हमको मोड को ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए अभी मोड आ गया। और अभी ये देखिए इसमें रन स्पीड और इस स्लाइड से चौथी वाली से हमको स्पीड कर देनी है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ से स्पीड इसका ज़्यादा हो गया, कम करेंगे थोड़ा कम करना और इससे थोड़ा ये देखिए स्पीड इसका स्लो हो जाएगा। ये चलते प्रोग्राम में आप इसको स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को है जो घटा भी सकते हैं। ये देखिए इससे स्पीड घटेगा और फुल भी हो जाएगा। ये देखिए स्पीड जब हम बढ़ाएंगे तो स्पीड देखिए, ये देखिए फुल स्पीड से हमारा प्रोग्राम है वो चलने लगा। ये देखिए और अभी नीचे करेंगे तो थोड़ा घटा जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अगर मिलेगा आगे ऐसी ऐसी वीडियो को सभी प्रोग्राम जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें।